Let us understand solubility product. When we talk of solubility, solubility is related to solute in a solvent. When you add a solute in a solvent, what is the possibility? The possibility is that the solute can dissolve or the solute cannot dissolve. If the solute can dissolve, again there are possibility whether the solute dissolves completely or whether the solute dissolves very less. So let us understand what happens when a solute is sparingly soluble. हम लोग जो करने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम यूज कर रहे हैं ऐसा सॉल्यूट जो स्पैरिंगली सॉल्युबल है. फॉर सॉल्यूट विच इज स्पैरिंगली सॉल्युबल, स्पैरिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है वेरी लेस सॉल्युबल. ऐसा सॉल्यूट जो डिसॉल्व होता है लेकिन बहुत कम. जब मैं बोलता हूं बहुत कम तो इट इज सिमिलर टू द वीक एसिड और वीक बेस डिसोसिएशन जिसका बहुत कम होता है. यानी ऐसा मान लेते हैं कि अगर हम लोग 100 मोल्स डाल रहे हैं और 100 मोल में से सिर्फ एक मोल डिसॉल्व होता है, 100 में से एक मोल डिसॉल्व हो रहा है या दो मोल डिसॉल्व हो रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है ना 100 में से सिर्फ एक या दो मोल डिसॉल्व कर होते हैं इसकी वैल्यू को हम बोलेंगे 0.02 और ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल वैल्यू है. ग्रेविटेशनल फोर्स. चलो तो क्या बोल रहा था, मेरी आवाज ठीक है राज? कम ज्यादा तो नहीं है? नहीं सर, बराबर है. बराबर है कारण आवाज हमारी खूब कमी है. हाँ ना, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए. सो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्पैरिंगली सोल्युबल सॉल्ट. अ स्पैरिंगली सोल्युबल सॉल्ट इज अ सॉल्ट व्हिच डिसॉल्व्स वेरी लेस. डिसॉल्व होता है लेकिन बहुत कम एक्सटेंट में डिसॉल्व होता है. एग्जांपल ये, ठीक है? तो ऐसे सॉल्ट के लिए हम बात करने वाले हैं. कोई स्पैरिंगली सोल्युबल सॉल्ट अगर हम लेते हैं और उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसका जो इक्विलिब्रियम होगा वो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? ये है हमारा बी ए. मैंने नाम दिया उसको, सॉल्ट का नाम बी ए दिया है. याद रखो एसिड का नाम एच ए, बेस का नाम बी ओ एच, सॉल्ट का नाम बी ए. कॉमन नेम. If I put the soluble salt in a solvent, it is going to form ions. B plus ion बनाएगा, A minus ion बनाएगा. और ये जो दो ions बनेंगे solvent के अंदर, पानी के अंदर, aqueous. तो इस ionic equilibrium में law of mass action के हिसाब से equilibrium constant क्या होगा? K. K is equal to, कोई बता सकता है? K equilibrium constant, equilibrium है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ऊपर क्या आता है, नीचे क्या आता है? एनीबॉडी? सर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इनटू कांस्टेंट. आवाज कम आ रही है, चैट बॉक्स में डाल दो. कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सॉरी अच्छा वापस. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट upon concentration of reactant. Correct, correct, correct. Concentration of product ऊपर आएगा, यानी B plus A minus ऊपर आएगा और नीचे BA. जो unionized है, जो unionized है वो यहाँ पर आएगा नीचे, ऊपर B plus और A minus आएगा. Now in this case also we are going to assume that the concentration of BA is in excess and therefore it will be taken as constant. अगर आपको मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया है कि BA dissolve होता है लेकिन बहुत कम,
इसका मतलब ये जो आयन्स बनेंगे बहुत कम बनेंगे, यानी ये ज्यादा रहेगा। सो ज्यादा बी ये कैसा होगा, अनडिसोसिएटेड, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन बदलने वाला नहीं है, इसका कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। सो फॉर अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, फॉर अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट द कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी एक्सेस एंड कॉन्स्टेंट, एंड देयरफॉर ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट और ये कॉन्स्टेंट दोनों मिलकर नया कॉन्स्टेंट बनाएंगे, और राइट साइड पे बचेगा सिर्फ बी प्लस इंटू ए माइनस। और ये जो नया कॉन्स्टेंट बनेगा इसको हम नाम देते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, के एस पी, जैसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में हमने ये के डब्ल्यू दिया था। सेम देखो, अगर आप वाटर को अगर आप याद करेंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का हमने डेरिवेशन किया था, सेम तरीके से किया। नीचे H2O था, H2O को हमने कॉन्स्टेंट ले लिया, नया कॉन्स्टेंट मिला, सिर्फ H प्लस और OH माइनस बचा, और इन दोनों के आयन्स का प्रोडक्ट को हमने नाम दिया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वैसे ही सॉल्ट के लिए हम लोग कर रहे हैं, सॉल्ट में भी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन का जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को हम नाम देंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, के एस पी। ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, यानी किसी भी स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट के लिए बी प्लस और ए माइनस, यानी उसके आयन्स का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होगा, उसके आयन्स के प्रोडक्ट की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी। So this value is known as KSP is known as solubility product. लिखो सब students, लिखो। यह है solubility product का concept. Solubility product होता क्या है? तो solubility product ये होता है। So now another thing which you must remember is this equilibrium is attained when the solution is saturated. याद रखना, ये जो हम कर रहे हैं ये saturated solution के लिए करते हैं। Saturated solution क्या होता है किसी को पता है? What do you mean by saturated solution? Anyone? Saturated solution? Okay, let me tell you. नहीं राज, नहीं, प्योर सोल्यूशन नहीं, अंडरस्टैंड करो। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। इफ आई टेक 1 लीटर ऑफ वॉटर, 1 लीटर वॉटर में ले लेता हूं, 1 लीटर सॉल्वेंट में ले लेता हूं, 1 लीटर सॉल्वेंट लेकर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर मैं इसमें एक सॉल्यूट ऐड करना शुरू करता हूँ। मान लो बी ए मेरा सॉल्ट है और मैं बी ए सॉल्ट को उसमें डिसॉल्व करना शुरू करता हूँ। सब जो मैंने उसमें 2 ग्राम डाल दिया डिसॉल्व हो गया। यस सुमिक्षा यू आर राइट, 3 ग्राम डाला डिसॉल्व हो गया, 4 ग्राम डाला डिसॉल्व हो गया। एक डालते जा रहा हूँ सॉल्ट, डिसॉल्व कर रहा हूँ, डिसॉल्व कर रहा हूँ। एक समय ऐसा आएगा जब ये सॉल्ट पानी में अब डिसॉल्व नहीं होगा,
उसकी जो कैपेसिटी है डिसॉल्व करने की वो कंप्लीट हो जाएगी। जब ये हो जाएगा उस सिचुएशन में वो सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। यस, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। एब्सोल्युटली राइट। हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, अब आप और सॉल्यूट उसमें ऐड नहीं कर सकते। जितनी उसकी कैपेसिटी है पर लीटर, मोल पर लीटर, कितने मोल्स में डाल सकता हूं बी ए के एक लीटर के अंदर। अगर बी ए की सॉल्युबिलिटी मान लो है 0.2 मोल पर लीटर, अगर बी ए की सोल्यूबिलिटी होती है उसकी, अगर 0.2 मोल पर लीटर उसकी सोल्यूबिलिटी है, इसका मतलब एक लीटर में 0.2 मोल डिसॉल्व होगा, उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा। अगर मैंने बी ए का 0.2 मोल पानी में डाला, इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन सैचुरेटेड बनेगा क्योंकि उसकी सोल्यूबिलिटी 0.2 मोल है। अगर मैंने 0.1 मोल डाला पानी में एक लीटर में, तो वो सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? उसकी सॉल्युबिलिटी 0.2 है, लेकिन मैंने 0.1 मोल डाला। यस आशीर, परफेक्ट आंसर। आशीर ने आंसर दिया है सिर्फ इतने बच्चों में से, आशीर ने कहा है अनसैचुरेटेड और वो आंसर राइट है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, हमारा इशा राइट, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि अभी तो मैंने 0.1 ही डाला है, जबकि उसकी सॉल्युबिलिटी 0.2 की है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस द आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। व्हेन इट विल बी 0.2, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन विल बी 0.2, it means the solution is saturated. So anyway, now we will do a derivation, another derivation of carrying. ये तो हमने general किया salt के लिए BA. अब कुछ examples ले लेते हैं, अगर मैं example लेता हूँ simple salt लेते हैं, because salts के formulas अलग अलग हो सकते हैं इसके लिए। Let us take the example of AgCl, silver chloride. अगर मैं सिल्वर का सॉल्ट लेता हूं AgCl, कोई मुझे बता सकता है क्या आएगा राइट साइड में? ये सॉल्ट Ag+Cl- Ag+